Hello, my dear student of standard 9th. Welcome back. And today in this session, we are going to finish chapter number 7. Only two chapters are pending, chapter number 7 and chapter number 20. So this is the last chapter of the history part and we are going to see chapter number 7, Post-Independence India. Post-Independence India means India, हमारा देश आजाद हो चुका है. Okay? And हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या हुआ बेसिकली वो सब देखेंगे. इसका एक इनिशियल पार्ट हम लोगों ने स्टैंडर्ड 8 में भी देख लिया था, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे. ओके, एंड आज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कश्मीर. ओके, सो बहुत सारे लोगों को कश्मीर इशू के बारे में मैं बता दूँ कि उनको पता नहीं है कि कश्मीर का इशू क्या है. क्यों इंडिया पाकिस्तान के पीछे हमेशा कश्मीर को लेके एक तरह का टेंशन वाला एटमोसफियर रहता है. सो डेट वी आर गोइंग टू सी. बेसिकली आई एम गोइंग टू कवर दिस चैप्टर इन टू थ्री पार्ट्स एंड द फर्स्ट पार्ट Let's begin. As you can see on your screen, name of the chapter is written Post-Independence India. So, let me begin. The Article of India's Independence was passed in the British Parliament in the year 1947. According to the article, India and Pakistan got its existence. There were two major problems before our country. Number one, framing the Constitution of India. And number two, to put an end to the sovereignty of the British Empire on the princely state and merging them into the making a intact India. Intact India मतलब एक समृद्ध, एक ताकतवर, एक powerful country India. तो जैसे ही British Parliament ने अपने यहाँ पर एक resolution pass किया and इन्होंने declare कर दिया कि भाई India को free करते हैं और साथ में Pakistan को भी independence दे देते हैं. जैसे ही हम लोग आज़ाद होते हैं, हमारे सामने होती हैं दो problems. प्रॉब्लम नंबर वन, एक तो हमारे पास कोई अपना रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. वेल, जस्ट थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था विद अश्वती मैम कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. ओके, सो आप उसमें भी जाके अच्छे से समझ सकते हो एंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा. बट यहाँ की बात करें तो जैसे इंडिया फ्री होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रॉब्लम थी. सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी वो थी कि कैसे जो प्रिंसली स्टेट है, जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, कुछ डायरेक्ट कंट्रोल में तो कुछ इनडायरेक्टली कंट्रोल में थे, वो कैसे इंडिया के अंदर मर्ज किया जाए और एक पावरफुल इंटैक्ट इंडिया बनाया जाए. ओके, सो एट द टाइम देयर वेर 562 प्रिंसली स्टेट. 48% प्रिंसली स्टेट हैड स्टेक इन द टोटल एरिया ऑफ इंडिया. 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन रिजाइड इन दिस प्रिंसली स्टेट. कश्मीर, हैदराबाद एंड मैसूर वेर बिग स्टेट्स, अदर स्टेट वेर स्मॉल. देर वेर स्टेट्स विच वेर टू स्मॉल वेर एज विलेज इन फॉर्म. इट वॉज अ मेमोर टास्क टू कन्विंस दिस किंग्स एंड नवाब्स. मोर ओवर इट वॉज टू बी डन वेरी स्पीडली. तो फ्रेंड्स, जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ तो एट ए टाइम 562 प्रिंसली स्टेट थे एंड प्रिंसली स्टेट इंडिया का 48% एरिया कवर करते थे. हाँ, यहाँ पे देश की सिर्फ छोटी सी 20% पॉपुलेशन ही रहती थी, बट कश्मीर, हैदराबाद और जो मैसूर है वो तो बड़े बड़े स्टेट थे. कुछ स्टेट्स तो बहुत स्मॉल थे, मान लो एक छोटे से गांव की तरह. ओके, एंड ये बहुत मुश्किल टास्क था. एक तो ये राजा नवाब इन सबके ठाट बाट होते हैं, ऊपर से इनका एटीट्यूड भी होता है. इनको कन्विंस करके इंडिया के अंदर मर्ज करना, इट नॉट एन ईजी टास्क, इट्स अ मेमोर टास्क. एंड ये बहुत जल्द भी करना था, क्या पता पाकिस्तान कन्विंस कर ले हमसे पहले, तो ये भी एक खतरा था. तो चलो आगे बढ़ते हैं. आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, महाराजा ऑफ भावनगर कृष्णा कुमार सिंह वॉज द फर्स्ट किंग टू स्टार्ट द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट 15 जनवरी 1948. भावनगर स्टेट वॉज मर्ज विद द यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट विच वॉज क्रिएटेड ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द सरदार पटेल 15 फरवरी 1948. द इवेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू एज द मोस्ट नोटेबल मर्जर ऑफ द कंटेम्पररी हिस्ट्री. तो मीनवाइल यहाँ पर महाराजा, जो भावनगर के जो महाराज थे कृष्ण कुमार सिंह, ये पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने डिक्लेयर किया कि हम लोग पहला ऐसे स्टेट हैं जो अपने आप को इंडिया की कंट्री के अंदर मर्ज कर रहे हैं. और इसके बाद 562 अलग अलग जो स्टेट थे वो भी हुआ.
ये इतिहास में और कभी नहीं हुआ कि इतने सारे स्टेट्स मिलके एक कंट्री बने हों, ओके? और ये सब आपको क्या लगता है किसने किया होगा? वेल, मेरे अलावा आप जो फोटो देख रहे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिनके भी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, वेल, ये इनकी वजह से पॉसिबल हुआ, ओके? सरदार वल्लभ भाई पटेल अपील टू द किंग ऑफ नवाब एंड प्रिंसली स्टेट दैट दे शुड वॉलेंटरीली फोरसेक देयर रिस्पेक्टिव स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर सब्जेक्ट एंड द यूनियन ऑफ इंडिया। ही स्टिम्युलेट द नेशनलिज्म। किंग, रजवाड़ास एंड नवाब्स कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग अ स्ट्रांग एंड इंटीग्रेटेड प्रॉस्परस इंडिया। सरदार पटेल एसोर्ड देम टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट। सरदार पटेल एंड हिज सेक्रेटरी होम मिनिस्टर होम डिपार्टमेंट वीपी मेनन प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट फॉर अटैचमेंट बॉन्ड एंड स्टेटस क्वो एग्रीमेंट। रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ड्राफ्ट वेयर मेड बाय द कमिटीज कंप्राइजिंग ऑफ द किंग्स एंड द फाइनल फॉर्मेशन ऑफ द ड्राफ्ट वॉज मेड। किंग्स वेयर हैप्पी बाय दिस ड्राफ्ट एक्सेप्ट कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़। 559 प्रिंसली स्टेट एक्सेप्ट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड ज्वाइन द इंडियन यूनियन। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे राजाओं को पार्लियामेंट हाउस में बुलाया, सबको समझाया कि आप क्यों इंडिया के साथ मर्ज होना चाहिए आपको, फॉर देयर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब मैं भी पब्लिक की बात हो रही है कि उनकी जो राजा की जो प्रजा होती है वो अगर एक इंडिया में रहेगी तो वो सुरक्षित रहेगी। अगर हम लोग मिलकर एक कंबाइंड कंट्री बनते हैं तो हमारी कॉमन आर्मी होगी, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन भी कॉमन होंगे। इवन आर्मी बड़ी होगी तो कोई दूसरा कंट्री भी आगे फ्यूचर में, जैसे इंग्लैंड हम पे राज कर गया, ऐसे कोई कंट्री हम पे अटैक भी नहीं कर पाएगा, है ना? तो कन्विंस किया गया, उनको बताया गया कि एक स्ट्रांग और प्रॉस्परस कंट्री बन सकता है, ये सबके इंटरेस्ट के लिए भी बढ़िया है। इसमें इनकी हेल्प की वीपी मेनन ने, फिर इन लोगों ने, अब आप एज ए प्रिंसली स्टेट हमारे कंट्री में आके मर्ज हो गए, ये कैसे प्रूव होगा? वेल, ये एक अटैचमेंट बॉन्ड, एक एग्रीमेंट के थ्रू होगा, और उसको बोलते हैं हम लोग अटैचमेंट बॉन्ड, तो बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक पेपर है जो लीगली बताता है कि नाउ हम अपना किंगडम इसमें सरेंडर कर रहे हैं, एंड ये अपने आप में यूनिक बात थी। सारे किंग्स लगभग मान जाते हैं 559, सिर्फ 3 स्टेट्स हैं जो थोड़ा सा अनडिसिजिव हैं, ये लोग खुद कन्फ्यूज हैं कि क्या करें, इंडिया में मर्ज हो जाएँ, पाकिस्तान में जाएँ, या अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दें। दे आर स्टिल इन अ सिचुएशन ऑफ अ कन्फ्यूजन। तो देखते हैं आगे इनका क्या होता है। मीनवाइल, नाउ टॉकिंग अबाउट द हैदराबाद। सो हैदराबाद इज अ स्टेट। अब से फॉर एग्जांपल, लेट मी ड्रॉ समथिंग फॉर यू। इंडिया का जो मैं मैप ऐसे ही रैंडमली बना रहा हूँ, कोई ज़्यादा मैं इतना अच्छा मैप में नहीं हूँ, बट सिंस वाह अच्छा बन रहा है, टू बी ऑनेस्ट मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ओके, गुजराती बना देते हैं। एनी हाउ, चलो ये इंडिया का मैप है, एंड समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे आपको जो मैंने स्मॉल गोल किया है ना, ये था हैदराबाद, ठीक है? बहुत गंदा मैप बना है। एनी हाउ, चलो अब सिंस वो इंडिया के अंदर ही है, वो कहीं से भी मतलब चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, तो ज्योग्राफी ऐसा बता रही है कि उसको इंडिया के अंदर मर्ज हो जाना चाहिए। और ज्योग्राफी तो ठीक है, बट वहाँ पे जो हैदराबाद में रहने वाले लोग हैं वो भी यही चाहते हैं, मगर नवाब नहीं चाहते हैं, ठीक है? नवाब यहाँ पर निज़ाम होते हैं। सो निज़ाम को ये चीज़ नहीं थी। क्या हुआ था एक्चुअली, पहले हम लोग रीड करते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन थोरोली कि क्या क्या हुआ था। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, एक सेकेंड, लेट मी जूम इट फॉर यू एंड जूम इट फॉर मी ऑल्सो। निज़ाम ऑफ हैदराबाद विद ही स्टेट फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त। तो ये तो भाई बोल दिया कि हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, हम लोग एक अलग कंट्री बन गए। एज फार एज इट्स जोग्राफिकल लोकेशन, इट इज़ बाउंड टू जॉइन इंडिया, बट इन द फैक्ट वॉज ब्रॉट टू देयर नोटिस डेट हैदराबाद वॉन्ट बी एबल टू रिमेन एज इंडिपेंडेंट स्टेट एज इट इज सराउंडेड बाई इंडियन टेरिटरीज। द निज़ाम क्लैरिफाइड द मैटर बाई सेइंग दैट इफ द कंट्री विल डिवाइड then owning to the geographical region they would be able to join Pakistan and they would be able to join India owning the ideological region. Under such circumstances they would remain independent. Negotiation begin with the Nizam.
सरदार पटेल ब्लंटली स्टेटेड टू द निगोशिएटर ऑफ द निजाम डेट पीपल ऑफ हैदराबाद आर ईगर टू बी विद द यूनियन ऑफ इंडिया. मीनवाइल द निजाम ऑफिसर स्टार्टेड कमिटिंग एट्रोसिटीज टू द पीपल ऑफ द हैदराबाद. अल्टीमेटली हैदराबाद वॉज मर्ज विद द यूनियन ऑफ इंडिया बाई यूजिंग पोलिस फोर्स ऑन 18 सेप्टेम्बर 1948. सरदार पटेल एसोर द निजाम टू प्रोटेक्ट ऑल देयर इंटरेस्ट. कन्हैयालाल मुंशी, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे, प्लेड अ वेरी क्रूशल रोल इन द एंटायर एपिसोड. आफ्टर रिफॉर्मिंग द स्टेट, द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज लेटर इंक्लूडेड इन द आंध्र प्रदेश. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ज्योग्राफिकली उनको मतलब इंडिया में अंदर मर्ज हो ही जाना चाहिए एज इट इज सराउंडेड बाय द इंडिया. लेकिन यहाँ पर निज़ाम क्या क्लेरिफाई कर रहे हैं कि अगर पॉसिबल हुआ इंडिया के कभी फ्यूचर में टुकड़े हुए तो वो लोग पाकिस्तान से भी ज्वाइन कर सकते हैं. वेल, इन डेट केस वो इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा प्रीफर करेंगे. सो एक तो हमसे जुड़ना नहीं है, ऊपर से पाकिस्तान से जुड़ना है, एंड ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के टुकड़े होंगे. वाह भाई वाह. मीनवाइल सरदार पटेल ने सिनारियों को समझा, निगोशिएशन शुरू किए निजाम के साथ. तो उनके जो निगोशिएटर थे, उनके जो मिनिस्टर थे, सरदार पटेल ने उनको बहुत बताया कि पब्लिक भी यही चाहती है, आपको भी, और इंडिया के टुकड़े होंगे कभी भूल जाओ, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है. सो मीनवाइल निगोशिएटर नहीं माने. अब ऊपर से अब पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हो गया हैदराबाद में. तो हैदराबाद की जो पुलिस है वो लोगों पे लाठियां बरसा रही है, उन पे मीन्स टॉर्चरिंग शुरू कर रही है. मीनवाइल अल्टीमेटली हम लोगों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, एंड इन डैट हम लोगों ने पुलिस फोर्स का यूज़ किया, एंड फाइनली कन्हैयालाल मुंशी का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, एंड फाइनली हम लोगों ने निज़ाम से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सैंड करवा लिया, एंड बाद में उसको हैदराबाद वो आंध्र प्रदेश का एक पार्ट बन गया. ओके, सो इंडिया के नीचे वाला साउथ वाला प्रॉब्लम सॉल्व. बट इफ आई टॉक अबाउट जूनागढ़ की डेमोग्राफी ऐसी है कि जूनागढ़ है एक हिंदू पॉपुलेटेड स्टेट, पॉपुलेशन मेजोरिटी हिंदू है, एंड जो राजा है वो मुस्लिम है, ठीक है, नवाब कहेंगे इन्हें, एंड ये चाहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान में मर्ज हो जाए. अब सिंस लेकिन पब्लिक ये नहीं चाहती है, पब्लिक चाहती है इंडिया में मर्ज होना. तो अब क्या होता है इसमें जूनागढ़ में, सो लेट अस सी. मैं पहले नीचे जो लास्ट लाइन है जूनागढ़ स्टेट तक, वहाँ तक पहले एक्सप्लेन करता हूँ, एंड देन आई विल गो फर्दर. चलो आगे बढ़ते हैं. On the day of independence, the Nawab of Junagadh wrote an instrument of accession to join the Pakistan. पाकिस्तान को एक लेटर लिखा जाता है कि भाई हम तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं. एनी हाउ कहते हैं पाकिस्तान इन टर्न गिव देम कंसेंट. पाकिस्तान ने बोला वाह क्या बात है, जरूर. सरदार पटेल डिसाइडेड टू टेक अ काउंटर मेजर अगेंस्ट इट. और सरदार पटेल जो बैठे थे उन्होंने देखा कि ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है. पीपल ऑफ जूनागढ़ लिविंग इन मुंबई इस्टेब्लिश अर्जी हुकूमत इन मुंबई. लेकिन पब्लिक तो ये बिल्कुल चाहती नहीं थी कि हम लोग पाकिस्तान में जाएं. सो इन्होंने क्या किया, मुंबई में कुछ जो जूनागढ़ के लोग थे उन लोगों ने एक अर्जी हुकूमत इस्टेब्लिश की मुंबई में. ड्यूरिंग दिस टाइम शेख ऑफ मंगरोल एंड मानावदर डिक्लेयर देयर विश टू ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया. तो यहाँ के जो शेख थे, जो उनके किंगडम के ही पार्ट थे, इन्होंने इंडिया के साथ ज्वाइन करना है. इंडियन सोल्जर एंड नेवी हु वेर पोजिशन टू प्रोटेक्ट मानावदर एंड मंगरोल बी सीज द जूनागढ़. चारों तरफ से इंडियन आर्मी और नेवी ने जूनागढ़ को घेर लिया. और अगर पूछें कि भाई क्या है तुम लोग के यहाँ पे लड़ाई छेड़ने वालों, नहीं हम लोग तो मानावदर और मंगरोल की हेल्प के लिए आए हैं ना, हमको जो इंटेलिजेंस न्यूज है कि इन पर अटैक हो सकता है, सबको पता है कहाँ पर अटैक करना है, कब अटैक करना है. एनी हाउ द नवाब ऑफ जूनागढ़ फ्लू टू पाकिस्तान. ये भाई साहब अपनी एरोप्लेन मंगवाते हैं, अपनी बहुत सारी बेगमों को ले जाते हैं, अपने बहुत सारे एनिमल्स को ले जाते हैं. ओके सर, मोहम्मद नवाब मोहम्मद खान है, बैनर्जी भुट्टो जो है ना अभी, एंड बिलावल भुट्टो जो मतलब यहाँ पे राहुल गांधी है वो वहाँ के राहुल गांधी हैं. सो ये लोग काफ़ी मतलब वहाँ पर चले जाते हैं.
ऑन 9th नवंबर 1947 रेफरेंडम ऑफ द पीपल ऑफ जूनागढ़ वॉज टेकन, दस जूनागढ़ मर्ज विद द यूनियन ऑफ इंडिया वॉज मेड पॉसिबल ओनिंग द सरदार पटेल गट्स एंड ट्रेमेंडस विल ऑफ द पीपल्स ऑफ जूनागढ़। फाइनली सरदार पटेल तो बहुत स्मार्ट थे, होशियार थे, उन्होंने क्या किया, यूएन वाले उधर आओ इधर आओ, ये देखो राजा भाग गया, पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक का तो कोई राजा भी नहीं है, पब्लिक कोई कंट्री के भी नहीं है, पूछते हैं इनको क्या करना है, इंडिया में मर्ज होना है कि पाकिस्तान में मर्ज होना है। वेल यूएन के ऑब्जर्वेशन के अंडर पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस होता है। यू आर शॉक टू नो डेट 2,21,000 समथिंग वोट कुछ मिलते हैं इंडिया के फेवर में, और पाकिस्तान के फेवर से पता है कितने सारे वोट मिलते हैं, 100 को जाओगे 91 या 93। समझ रहे हो? सो इतना बड़ा ब्लंडर था। एंड यूएन ने बोला सिंस बहुत पॉपुलेशन चाह रही है तो मेजोरिटी विन, एंड 91-93 का क्या करना है, वीजा चाहिए पाकिस्तान का तो भेज देते हैं, एनी हाउ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सो कश्मीर, जूनागढ़ एंड कश्मीर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। वेल आई थिंक ये हमारी लास्ट स्लाइड है, यस। देखो पहले मैं कश्मीर का इशू समझ लेता हूँ और प्रेजेंट में हम लोग कश्मीर को लेके क्या कर सकते हैं, वेल आपसे मैं वो भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। कश्मीर को समझते हैं पहले, 1947 की बात है, जस्ट ऑपोजिट टू जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या था, पॉपुलेशन मेजोरिटी हिंदू, राजा मुस्लिम, लेकिन इसका उल्टा था कश्मीर में। कश्मीर में क्या था, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मुस्लिम एंड किंग इज हिंदू। ओके सो लेट मी गो थ्रू द पैराग्राफ एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू। पहले यहाँ पे लिखा है, द इशू ऑफ कश्मीर वॉज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ ऑल, राजा हरि सिंह ऑफ कश्मीर वॉज इनडिसिसिव। मीनवाइल पाकिस्तान अटैक कश्मीर, राजा हरि सिंह रिक्वेस्टेड फॉर द मिलिट्री असिस्टेंट टू प्रोटेक्ट जम्मू एंड कश्मीर अगेंस्ट द पाकिस्तानी अटैक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसिस्टेड दैट राजा हरि सिंह शुड फर्स्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड देन द इंडियन आर्मी कुड बी सेंट। वन ऑफ द क्लॉज इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज दैट आफ्टर द रिस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल सिचुएशन इन कश्मीर प्लेबिसाइट वुड बी हेल्ड फॉर परमानेंट मर्जर विद इंडिया। इमीडिएटली आफ्टर साइनिंग द लेटर द इंडियन आर्मी प्रोटेक्टेड द कश्मीर बट पाकिस्तान हैड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड 1/3 पोर्शन ऑफ द कश्मीर बाय दैट टाइम बट द रेस्ट ऑफ द कश्मीर वॉज सेव्ड। इंडिया वॉज रजिस्टर्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट द पाकिस्तान इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। द सिक्योरिटी काउंसिल सजेस्टेड अ सीज फायर। इवन टूडे द कश्मीर इशू इज अ कंटीजियस इशू इन रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। इन दिस वे टूवर्ड द एंड ऑफ 1948 पोलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश बाई वेरियस हिस्टोरिकल एंड नॉन वायलेंट मूवमेंट। सो फ्रेंड्स अब क्या क्या हुआ कश्मीर में, मैं सबको डिटेल में समझाता हूँ, कान खड़े कर लो और बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो सबसे जो बड़ा इशू था वो कश्मीर का था, एंड जो कश्मीर का इशू जो था वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड था। अब ना राजा हरि सिंह जो थे कश्मीर के वो मतलब डिसाइड नहीं कर पाए थे क्या हमको इंडियन ज्वाइन करना चाहिए या क्या हमको पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहिए। वो चाहते थे कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाना, है ना, इंडिया से भी लोग घूमने आए, पाकिस्तान से भी लोग घूमने आए, है ना, और हमारी बहुत सारी टूरिस्ट एक्टिविटी से पैसे इनकम हो। पर उनके सपनों पे पाकिस्तान ने पानी फेर दिया। कैसे, उन्होंने अपने बहुत सारे रेंटेड टेररिस्ट भेजे थे, है ना, एंड उन्होंने आके कश्मीर पे एट्रोसिटीज शुरू कर दी। अब राजा हरि सिंह एक चीज़ समझ चुके थे कि अब इनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, इट कैन बी आइदर पाकिस्तान और इट कैन बी आइदर इंडिया। वेल ये आए इंडिया के पास हेल्प मांगने। इंडिया ने कहा कि हम आपकी कैसी हेल्प कर सकते हैं, आपने तो इंस्ट्रूमेंटल एक्सेशन साइन किया ही नहीं है। तो राजा हरि सिंह ने रखी एक कंडीशन, ये कंडीशन कि जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है, जिसे आपने जूनागढ़ में एक रेफरेंडम करवाया ना कि मतलब कहाँ पे ज्वाइंट होना है, तो आपको कश्मीर में भी करवाना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स आज तक वो रेफरेंडम कब भी नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्टली, ठीक है। एंड मीनवाइल इंडियन आर्मी गई फटाफट रातों रात श्रीनगर में, वहाँ पे फाइट शुरू हो गई,
एंड तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की, उन्होंने गए यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में। अगर वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं गए होते ना तो हमारी आर्मी पूरा कश्मीर वापस से ले लेती। लेकिन मीनवाइल वो उनकी गलती थी एंड यूएन ने फिर सीज फायर करवा दिया। एंड आज भी कुछ 31/3 पोर्शन जो है ना कश्मीर का, वो पाकिस्तान कैप्चर करके बैठा है। एंड इंडिया सिर्फ यूएन की रिस्पेक्ट के लिए वो एरिया वापस रिकैप्चर नहीं कर रही है। बट यू नेवर नो, नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी एग्रेसिव है। अगर हम लोग एग्रेसिवली कश्मीर को अपने अंदर अगर मिला लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग यूएन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सिंस हम लोग यूएन को अभी ये कन्विंस कर सकते हैं कि वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो हम लोग करेंगे। एंड बिलीव मी गाइस, 2024 में नरेंद्र मोदी पक्का ये करेंगे। रीज़न, इलेक्शन भी तो जीतना है ना। एनी हाउ, सो इवन इंडिया का जो इशू है कश्मीर के साथ, पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर इशू है, वो आज तक सबसे हॉट टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड है। बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, बट हमको एक और चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। सो वेल, दिस इज़ माई प्रेडिक्शन के 24 में ऐसा होगा, बट यू नेवर नो। सो दिस इज़ अवर पार्ट वन, एंड पार्ट टू एंड थ्री वी आर गोइंग टू सी लेटर। पार्ट टू में हम लोग देखेंगे कैसे फ्रेंच और पोर्टुगीज जो हमारे यहाँ पे इंडिया में थे उनको हमने उनके कंट्री में वापस भेजा, एंड गोवा एंड बहुत सारी टेरिटरीज को वापस से रीगेन किया। सो स्टूडेंट्स ऑफ 9th, इट्स टाइम टू से गुड बाय, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।